मैं पुराना परिचय इनका और अपना दूं तो वर्ष 91 से 98 तक मैं सीकर में फिजिक्स लेक्चरर था। तभी भाई ने वहाँ पे CLC कोचिंग शुरू किया था और इनकी लगन की दाद देता हूँ जो सीकर में कोचिंग की शुरुआत की उसके जनक श्रवण चौधरी। आज सीकर में जो भी है जितना भी कोचिंग का साम्राज्य या डेवलप हुआ है उसके जनक यही हैं। शुरू में मेरे को ध्यान है दो कमरे कहीं किराए पर लिए थे और 5-7 बच्चों को ऐसे बुलाया था आओ, उनमें से शुरू में दो सेलेक्ट हुए थे, 5-7 में से दो सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। पर इनकी एक सोच है अलग से, ये सोच अलग है, कोचिंग वाले बहुत हैं, वो इनकी तरह गांव में शहरों में और वो जिले जिसे सीकर को काफ़ी, ये सिरोही को काफ़ी छोटा और पिछड़ा जिला माना जाता है, गांव-गांव तक पहुंच करना और उनमें से कुछ तराशने की कोशिश करना ये बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग क्या, मैं तो एक ही इनको देख रहा हूँ जो राजस्थान में जगह जगह जाके कहाँ बाड़मेर है, जैसलमेर है, सिरोही है, भरतपुर है, दूर दूर तक गांव में जाके परीक्षाएं आयोजित करवाना, फिर उनमें छांटना कि कौन सा बच्चा अच्छा है, उसको प्रेरित करना जिससे कि वो अपने और अपने परिवार का और समाज का भला कर सके और कुछ आगे बढ़ सके। मैं इनको 91 से जानता हूँ, कितने साल हो गए, 32 साल, हाँ तो 37 साल एवरेज का मानो। इनकी सोच ऐसी नहीं है, गरीब बच्चा कोई भी आता है, मैं भी साल में कम से कम 8-10 लोगों के लिए इनको निवेदन करता हूँ और उनकी फीस माफ़ करवाता हूँ। और यहाँ पर हमको ये सोचना पड़ेगा बच्चों को और हम सब लोगों को कि बच्चे की भलाई निस्वार्थ भाव से कौन कौन चाहता है, एक तो बच्चे के माँ बाप और तीसरा स्थान आता है गुरु का। माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे से हमको ये लेना है इसलिए हम इसको इतना ये करें, तो माँ बाप का भी एक कर्तव्य बनता है कि आज का जो समय है, हम आशा तो करते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, कोई आए तो मान सम्मान से बोले, बदतमीजी नहीं करे, आशा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ही सिखाते हैं क्या, अपने बच्चों को थोड़ा समय देते हैं, वो संस्कार देते हैं क्या, नहीं देते। मैं दावे के साथ कहता हूँ जितने भी गार्जियंस आए हुए हैं यहाँ पे, वो सुबह उठकर अपनी ऑफिस जाने की प्लानिंग करते हैं, बच्चा पूछता है कि आज मेरी ये एग्ज़ाम है वो है, हाँ ठीक है कर लेना, फीस मैं पहुँचा दूंगा, ट्यूशन लगानी है ट्यूशन लगा दूंगा, ये नहीं करते, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप लोग अच्छे संस्कार नहीं दोगे और बाहर जाकर उससे कहीं गलत सौगत मिल गई तो वो गलत संगत में पड़ जाएगा, फिर स्कूल के गुरुजी या कोचिंग के गुरुजी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरा गार्जियन से और बच्चों से भी ये आग्रह है कि घर के माँ बाप से कुछ सीखें और माँ बाप भी बच्चों को संस्कार दें। जैसे कि अगर मैं यह तुलसा जी का पौधा लगा दूं इस जगह, यहाँ पर रोशनी नहीं है और एक खिड़की खोल दूं, तो कुछ दिनों बाद देखना वो पौधा उस खिड़की की तरफ झुक जाता है, झुकता है कि नहीं, देखा होगा, वो किस लिए, उसको वहाँ से पोषक पदार्थ मिल रहा है इसलिए उधर वो जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र में बच्चे की जिज्ञासाएं होती हैं आगे बढ़ने के लिए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके लिए माँ बाप का पहला कर्तव्य है उस बच्चे को जो चीज़ की आवश्यकता है उसको दें। बहुत से बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। दूसरों की नहीं कहूँगा, मैं खुद की बात बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का वैसे MSc यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ, लेकिन उस समय जब 10वीं की तो हमारे पास एक या दो ही ड्रेस हुआ करती थी कपड़े पहनने के लिए,
स्कूल की, और कोचिंग तो उस समय भूल जाओ, पिताजी का पैसे ही नहीं थे, कोचिंग कहाँ से करते। इसलिए पढ़ते गए, ट्वेल्थ के बाद एमएससी बीएससी एमएससी टॉप किया, उसके बाद में खुद के बेसिस पर करके आए। आज मैं सोचता हूँ उस समय अगर मैं इस तरह की गाइडेंस मिलती तो इंजीनियर डॉक्टर या आईसीएस के एग्जाम देकर कहीं निकल गए होते, लेकिन उस समय वो सुविधाएं नहीं थी। आज सुविधाएं हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल, सही गाइडेंस वो भी नहीं मिल पाती। और इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि इनका एक अलग उद्देश्य लेके चले हैं, हर बच्चे से, हर गार्जियन से स्वयं मिलना। मतलब मैं भी किसी के लिए ना यार इनकी फीस माफ़ कर देना, क्या गुरु जी मेरे पास भिजवा दो भाई साहब। तो ये खुद व्यक्ति से, हर कैंडिडेट से मिलना, उनके माँ बाप से मिलना बेहतर समझते हैं। और वास्तव में परवरिश बच्चे की तभी अच्छी होती है। तो इनका जो प्रयास है कि हर गांव और शहर में अगर कोई प्रतिभा है तो वो निखर कर आए और आगे तक पहुंचे, तो कहने का मतलब यह है कि अगर सही गाइडेंस मिल जाए और बच्चा भी सही गाइडेंस को आत्मसात कर ले तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है सभी बच्चों के लिए, सभी गार्जियंस के लिए, कि आप लोग इस भले आदमी से अटैच हों। बिजनेस की मत सोचना कि बिजनेस की वजह से या पुराने दोस्त की वजह से कह रहा हूँ, मैं वास्तव में देखा है ये बच्चों से, गार्जियन से उतना घुल मिल के। आप एक और, मैं आप सब लोगों को, आप सब लोग जानते हैं, एक बच्चा माँ बाप या क्लास टीचर के साथ जितना खुश रहता है उतना अकेला आप मेरे साथ भेज दो ना, कितना ही मैं भला करूँ, या किसी पड़ोसी या मोहल्ले वाले के साथ, उसके साथ खुश नहीं रहता। उसका कारण है कि माँ बाप और जो नज़दीक रिश्तेदार हैं या जो गुरु हैं, वो जो आवरण, जो आत्मीयता दिखाते हैं, उसमें फलीभूत जो पौधा जो उगता है, जो वातावरण, उसका एक अलग माहौल होता है। एक स्कूल तो इनको कोचिंग है वहीं पर है, जो कि डेली बच्चों से मिलना, वार्तालाप करना, अपने जितने फंक्शंस होते हैं, होली है, दिवाली है, नवरात्र हैं, सब बच्चों के साथ घुल मिल के पूजा पाठ, मिलना जुलना, ये माहौल और कहीं मैंने देखा नहीं। इनसे जितना लाभ ले सकें उतने हमारे फायदे की बात है, और हम सौभाग्यशाली होंगे कि हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी भगवान ने, ईश्वर ने हमारे को ऐसा व्यक्ति हमारे बीच भेजा है जो स्वयं कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा। श्रवण भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, और आगे बढ़ने के लिए जो भी सहायता इनसे चाहिए इस डायरेक्ट उनसे ले सकते हो। मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी हूँ, मेरी ज़रूरत पड़े आधी रात आप मेरे पास भी आ सकते हो, मैं ले चलूँगा इनके पास। थैंक यू।